का दिन है, करीब 7 घंटे हो चुके हैं और ये रियल इंटरव्यू ले रही है सीबीआई। इस केस से जुड़ी सबसे प्रमाणिक, सबसे तथ्यों पर आधारित कवरेज जी न्यूज आपके लिए लेकर आया। आपको बता दें अगले 1 घंटे में हमारे साथ सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर से लेकर ईडी के फॉर्मर असिस्टेंट एडिटर डायरेक्टर और इसके अलावा पुलिस महकमे से तमाम अधिकारी, लॉयर्स, यानी तथ्यों पर पूरी खबर की एनालिसिस, विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और ये बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर के शोपियान से। एक बार फिर से सुरक्षा बलों का पराक्रम देखने को मिला है और कैसे मिला है इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर आ गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 4 आतंकियों को मार दिया गया है। हालांकि जो आतंकी मारे गए हैं इनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, यानी ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और इसी ऑपरेशन से जुड़े तमाम डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। तो 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शोपियान में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, 4 आतंकियों को मार दिया गया, ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन। मेरे सहयोगी खालिद का रुख कर लेते हैं और डिटेल्स के साथ हमारे साथ हैं। खालिद, सबसे पहले 4 आतंकियों को मार दिया है, ऑनगोइंग ऑपरेशन है, क्या चल रहा है इस वक्त, कितने आतंकी और छिपे? देखिए, बहुत ही बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को आज शोपियान में। जब कुछ ही देर पहले वहां के एप्पल ऑर्चिड किल्लोरा गांव है जहां पर ये ऑपरेशन जो है शुरू किया गया और वहां सूचना थी कि 4 से 5 मिलिटेंट्स वहां पर छुपे हुए हैं। तुरंत इस एरिया को कॉर्डन किया गया और एक बड़ी सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों की। 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, एक ने सरेंडर किया है, उसको जिंदा वहां से पकड़ा गया है और यहां से 2 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल और भारी मात्रा में जो है गोला बारूद भी बरामद किया गया है। निसंदेह एक बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि इतने बड़े ग्रुप को इतने कम समय में जो है, कह रहे टिप ऑफ में 5 आतंकियों के होने की सूचना थी, 4 को मार दिया गया, 1 ने डर कर सरेंडर कर दिया, क्या अब ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है, उसे लेकर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, अभी भी ऑपरेशन जारी है क्योंकि वहाँ पर तलाश है कि कहीं और मिलिटेंट्स वहाँ छुपे तो ना हो। इसके अलावा जो गोला बारूद इनके साथ थे उनको भी बरामद करना है, इसलिए पूरे इलाके में अभी भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अगर कोई और मिलिटेंट वहाँ पर छुपा है उसको या तो न्यूट्रलाइज किया जाए या फिर उसको मजबूर किया जाए कि वो सरेंडर करे। जैसा कि हमने देखा कि 4 को मार दिया गया है, 1 ने वहाँ पर सरेंडर किया है और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इस वर्ष अगर हम बात करें तो 150 से ज्यादा आंकड़ा हो गया है कि मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, खासकर दक्षिणी कश्मीर में, और इसमें 26 मिलिटेंट जो है कमांडर्स हैं जिनको मार दिया गया है। तो निसंदेह इस वर्ष जो है अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 150 आतंकियों के मारे जाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं जिनमें से करीब 26 से 28 जो है वो कमांडर्स हैं। जरा सोचिए, ग्राउंड पर जो हमारे सुरक्षा बल है वो लगातार जो आतंकी नेटवर्क है उसको ध्वस्त करते हुए, और जब आप कमांडर्स को इस तरह से खत्म करते हैं तो जाहिर तौर पर आतंक पर ये बहुत जोरदार प्रहार होता है। तो सुरक्षा बलों का पराक्रम आज इस ऑपरेशन में हमने देखा है और कल हमने उनका मानवीय चेहरा भी देखा था जब MI-17 के माध्यम से उनके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, बाढ़ से अफेक्टेड एरियाज हैं, वहां पर देखिए तस्वीरें कल आई थी। और कुल मिलाकर हमारे सुरक्षा बल, चाहे शांति काल हो, चाहे आतंकी सिचुएशंस हो, आतंकियों से सामना हो या फिर युद्ध जैसे हालात हो, हर जगह हमारे सुरक्षा बल पूरे तरीके से डटे हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। और बात करेंगे रिया चक्रवर्ती की, कल तक प्रायोजित इंटरव्यू कर रही थी, आज वक्त है रियल इंटरव्यू का और सीबीआई इंटरव्यू ले रही है। 7 घंटे, करीब करीब 7 घंटे हो चुके हैं, 11:20 पर ये रियल इंटरव्यू शुरू हुआ रिया चक्रवर्ती का। सवालों का जवाब अब उन्हें देना है सीबीआई के और वो दे भी रही है। काल्पनिक सच का वक्त खत्म हो चुका है, जी हाँ, सच से सामना करने का वक्त है। जो सोर्सेस हमारे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर, इस जांच को लेकर, पूछताछ को लेकर, शुरुआती 2 घंटों में रिया चक्रवर्ती ने अपना पक्ष आराम से रखा, यानी 7 घंटे में से पहले 2 घंटे शुरुआती पक्ष, शुरुआती 2 घंटों में आराम से अपना पक्ष रखा और उसके बाद जब सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछने, काउंटर क्वेश्चनिंग शुरू की, तो उस वक्त सीबीआई के सवालों से घबरा गई रिया चक्रवर्ती। अब डेथ की थ्योरी पर रिया का ड्रामा कितना सच और कितना झूठ है ये सामने आ जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कैसे प्रायोजित इंटरव्यू के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनकी बहनें, सबका चरित्र हनन करने की कोशिश की गई। अब श्वेता सिंह कीर्ति, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, अमेरिका में रहती हैं,
वो ये कह रही हैं कि देखिए क्या कह रही हैं, आप खुद पढ़ लीजिए, ये बहन का जवाब है। काश भाई उस लड़की से कभी ना मिला होता, उस लड़की मतलब रिया चक्रवर्ती से कभी ना मिला होता, किसी की मर्जी के बिना उसे ड्रग्स देने और फिर उसे समझाने कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने, ये हेर फेर का कौन सा स्तर है, तुम अपनी रूह को कैसे माफ कर पाओगी, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो। ये श्वेता सिंह कीर्ति का जवाब रिया चक्रवर्ती को। उनके द्वारा दो ट्वीट किए गए, उन्हीं में से एक ट्वीट इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें वो साफ ये कह रही हैं कि अच्छा होता मेरा भाई रिया चक्रवर्ती से ना मिला होता। जल्दी से आपको बता देती हूँ ताल ठोक के स्पेशल एडिशन के हमारे सवाल, सुशांत की मौत का सच। अब ये जो रियल इंटरव्यू चल रहा है जो कि सीबीआई ले रही है, ये देखिए किस तरह से मीडिया से बता रही है, इस तस्वीर को भी देखिए जरा ध्यान से। सुशांत की मौत का सच सुलझने के करीब है क्या? क्या सुशांत को ड्रग्स दे रही थी रिया चक्रवर्ती? अभी आपने सुशांत की बहन का ट्वीट भी देखा, सुशांत को धोखे से लगाई गई क्या ड्रग्स की लत? सुशांत के दोस्त भी रिया के साथ मिले हुए थे क्या? सीबीआई के इंटरव्यू में फंस चुकी है रिया चक्रवर्ती, सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती ने क्या सच कबूल कर लिया? ये वो सवाल जो हम उठाएंगे, जनता के भी सवाल लगातार अगले 45 मिनट में। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, बिना वक्त गवाए आपको बता देती हूँ, हमारे साथ एनके सूद जी हैं, फॉर्मर ऑफिसर हैं, और उन्होंने सबसे पहले जो ड्रग्स का एंगल जिसके बारे में आपने बहुत बाद में सुना, उनके द्वारा इसे सबसे पहले उठाया गया। हमारे साथ उज्जवल निगम जी हैं, सीनियर लॉयर हैं, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे साथ शांतनु सेन जी हैं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के। हमारे साथ टीआर कक्कड़ साहब हैं, पुलिस कमिश्नर रहे हैं, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, ममता काला हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मान सिंह यादव जी हैं, एक्स असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ईडी के, ईडी की इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको ये भी बता देती हूँ, हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मुकेश खन्ना जी को भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक्टर हैं और इंडस्ट्री को बहुत अच्छे करीब से देखा है उन्होंने, और उनके इनसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले एनके सूद सर, मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ, क्योंकि जो ड्रग्स का पूरा खेल है, ये जो ड्रग्स का पूरा कारोबार है, ये जो ड्रग्स की लत से जुड़ी हुई पूरी इन्वेस्टिगेशन है, अब जिसमें एनसीबी भी आ गई है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, ये पूरा मामला आपको लग रहा है अभी सुलझने जा रहा है और अब एग्जैक्टली उसी मुकाम पर है? एनके सूद जी आवाज आ रही है सर? बीच में देखिए ड्रग्स का मामला हमेशा आवाज नहीं। बोलिए बोलिए सर, बोलिए, आई कैन हियर यू सर, प्लीज बोलिए। चलो बीच में मुझे आवाज नहीं आई, लेकिन ऐसा है कि ड्रग्स हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड शुरू से, क्योंकि वहां पे पैसा है इसीलिए ड्रग्स हैं। मैं ये जानता हूं कि बॉलीवुड के अंदर कुछ बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो रेगुलर ड्रग्स लेते हैं, और ड्रग की एक डोज जो है, अगर वो दिन में दो बार लेते हैं तो एक डोज जो है 1 लाख से 1.5 लाख के करीब पड़ती है, और इसी वजह से ये लोग बड़े एक्टिव भी रहते हैं। और अगर ये ड्रग नहीं लें तो ये बेसिकली आप समझिए सारे दिन सोए रहेंगे। जहां तक बाकी ड्रग्स का है, ये ड्रग्स जो हैं ये नॉर्मली कहां से आ रहे हैं? जब रिया चक्रवर्ती के केस में आया तो ये ड्रग जो है ओडिशा की तरफ से आए, लेकिन दूसरी तरफ ये पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां से सारा स्मगल होकर के मुंबई में आते हैं, और मुंबई के अंदर इसमें भी पूरा अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड जो भी उल्टी सीधी एक्टिविटी होगा उसमें इन्वॉल्व होगा। और इसी तरीके से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी जो एलिगेशन लगी है कि वो यहां पे इसको ड्रग देती रही। और आप देखिए, मैं पूरा आपको केस बताना चाहूंगा पिछला भी, प्रवीण बाबी का। प्रवीण बाबी की डेथ कैसे हुई? ड्रग से हुई। और बहुत से लोग हैं जिनका पता ही नहीं चला कि कब आते हैं। बॉलीवुड में क्या होता है कि नए नए लड़के लड़कियां आते हैं, छोटी छोटी जगह से आते हैं, जब उनको पैसे मिलते हैं तो वो यहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं ड्रग्स की तरफ। और बॉलीवुड के अंदर एक गैंग है, मैंने पहले भी कहा, सी गैंग। सी गैंग मतलब चर्सी गैंग। ये जो है इन लोगों को ट्रैप करके इनको वहां पे ड्रग्स, और एक बार एक गैंग में फंस जाते हैं लोग तो यहां से बाहर नहीं निकल सकते, और उसके बाद ये उनको किसी ना किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये जो गैंग में नए लड़के लड़कियां आते हैं, ये इनको यूज करते हैं ड्रग को सप्लाई करने के लिए, इनको प्रोवाइड करने के लिए। कुछ ऐसा है फिल्मों में देखा गया है कि जब वहां पे फिल्म की शूटिंग होती है तो बीच में जो टाइम मिलता है उस टाइम के अंदर ये लोग वहां पे ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं। आप जो यहां पर पॉइंट्स उठा रहे हैं एनके सूद जी, ये पॉइंट्स बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं इस वक्त, ठीक इसी वक्त सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन टीम जो है रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब कर रही है,
करीब करीब 7 घंटे हो गए। एक कॉमेंट यहाँ पर मुकेश खन्ना जी, मैं आपका भी ले लेती हूँ, उसके बाद उज्ज्वल निकम साहब मैं आपके पास आऊंगी सर, क्योंकि इस पर आपके इनसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन मुकेश खन्ना जी देखिए, एनके सूद साहब ने क्या किया, क्या बताया, क्या डिस्क्लोज किया, वो बहुत अहम है। ऐसे में परिवार नशे की लत लगाने की जिम्मेदारी रिया चक्रवर्ती पर कह रहा है, और जिस तरह से उनके द्वारा भी इंटरव्यू में चरित्र हनन की कोशिश की गई है वो भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और मैं चाहूंगी आप जब जवाब दे रहे हो तो व्हाट्सएप के वो चैट, वो स्क्रीनशॉट्स जो कि इससे रिलेटेड है, इस केस में रिया चक्रवर्ती और जो दूसरे लोगों के बीच बातचीत हुई है, वो भी हम अपने दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लगातार स्क्रीन पर चलाएं। मुकेश खन्ना जी, देखिए ये ड्रग्स का एंगल बहुत रीसेंट एंगल आ गया है, स्टार्ट हुआ था सुसाइड से, बाद में पता लगा सुसाइड नहीं हो सकता, मर्डर है, मर्डर के बाद में रिया की दवाइयां खिलाने का प्रोग्राम शुरू हुआ कि डिप्रेशन में डाली जा रही है, फिर अभी रिसेंटली मालूम पड़ा कि वो दवाइयां जो थी वो दवाइयां नहीं थी, वो ड्रग्स थी। और अभी रिया, जिस तरह से रिया के व्हाट्सएप के मैसेजेस आप लोगों ने दिखाए हैं, जिससे जाहिर होता है कि रिया सिर्फ और सिर्फ दे नहीं रही थी उसे, शी वॉज एक्चुअली द पेडलर। उसी की इतनी बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स रिसीव करना, ड्रग्स छोटी चीज नहीं है, एक छोटे से 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम 5 ग्राम की भी जो कीमत होती है, ये किलो किलो के हिसाब से ड्रग्स यहां से वहां जाती है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सिंडिकेट उसके पीछे था। और वो सिंडिकेट में क्यों इस्तेमाल हुआ, इसी अभी सीबीआई को जांच करना है, आप लोगों को जांच करना है कि क्यों सुशांत को ड्रग्स के लिए ड्रग्स खिलाने की कोशिश की गई उसके जाने बगैर, और आज वो दूसरे किसी चैनल पे इंटरव्यू देकर कहती है कि भाई ये तो ड्रगीज था। ये इतना बड़ा इल्जाम रिया ने लगाया है, वो भी इस वक्त पर जहां उस पर इल्जाम लग रहा है कि वो पेडलर है, तो ये एक मामला उलझता चला जा रहा है। इसमें सच्चाई का सामने आना इसलिए भी जरूरी है कि इसमें हमारे बॉलीवुड की शान बान, या आप कहो तो इमेज जुड़ी हुई है, लोगों के दिमाग में धीरे धीरे बैठता जा रहा है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वहां पर लोग आते हैं, फंस जाते हैं, सुसाइड करते हैं, या उनका मर्डर हो जाता है, कभी ऊपर से उठा के फेंक दिया जाता है। ये एक डरावनी तस्वीर बॉलीवुड की निकली है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे यहां पर नहीं होता, हमारे यहां बहुत कुछ होता है, और हमारी इंडस्ट्री जो है वो क्लोज इंडस्ट्री है। ये मुझे पहली बार आप लोगों का इतना बड़ा मुहिम नजर आया है जिससे धीरे धीरे बॉलीवुड की जो, जिसको मैंने अभी भी किसी चैनल पे कहा कि पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है धीरे धीरे, उसके अंदर की कहानियां धीरे धीरे बाहर आ रही है। पर मुझे ये जानना है कि आप लोग कितना जोर लगाते हो कि वो पेंडोरा बॉक्स बंद नहीं होना चाहिए, उसको खुलना चाहिए, नहीं तो गांव गांव से छोटे छोटे बच्चे बेचारे आते हैं जिनके पास हार्डली पैसे नहीं होते हैं, मां बाप को बोलकर आते हैं डोंट वरी मैं कर लूंगा, और फिर ये बीच में जितने भी बैठे हुए हैं जो हम रोल दिला देंगे आपको, आइए प्रोड्यूसर की पार्टी में बुलाया जाता है, 5 मिनट 10 मिनट का रोल का वादा किया जाता है। अब लड़के लड़कियां भी इतनी बेचारी इनसिक्योर रहती है, पार्टी में आती हैं, क्या पिलाया जाता है, क्या ड्रिंक में डाला जाता है, या वो धीरे धीरे उसकी आदत। और ड्रग्स, माफ करना, शराब पीना, मैं कल भी किसी चैनल पर कहा कि शराब सब पीते हैं लेकिन ड्रग्स क्राइम है। ड्रग्स को पीना, ड्रग्स को किसी को देना, ड्रग्स का धंधा करना, पजेस करना भी आपके लिए क्राइम है, तो कैसे हमारे देश, हमारे इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े सो कॉल्ड माफिया बोले जाने वाले, जो धृतराष्ट्र के पुत्र मैं कहता हूं उनको, कैसे स्कॉट फ्री घूमते हैं जब मालूम पड़ता है कि वहां पर रेव पार्टियां होती हैं, वहां लोगों को ड्रग्स सप्लाई किया जाता है, पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, क्या पुलिस को सवाल है? आपने पॉलिटिशियंस का जिक्र यहाँ पर किया, आपने बहुत साफगोई के साथ यहाँ पर बात रखी सर, मेरे साथ बहुत सारे गेस्ट, मैं चाहूंगी सबको एक 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 कॉमेंट करने का जल्दी जल्दी मौका मिले। ममता काला जी, देखिए जी बोले मैम, बोले। देखिए अदिति, जिस तरीके से कल का जो इंटरव्यू था, वो जो इंटरव्यू एक्चुअली इंटरव्यू नहीं था, पीआर एजेंसी और जो लोग उनको बचाने के लिए कुछ पत्रकारों की लॉबी लगी हुई है, कुछ नेताओं के साथ महाराष्ट्र के, उनका ये बहुत ही एक प्रयास था कि किसी भी तरीके से इनकी इमेज को ठीक किया जाए, ऑनगोइंग जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको किसी तरीके से छेड़छाड़ की जाए। और उसके अलावा उस जो पूरा इंटरव्यू जो सुना था मैंने, तो खैर आधे में छोड़ दिया, मैं पूरा नहीं सुन पाई, बिकॉज मुझे लगा कि ये लड़की जिसका इतना खूबसूरत चेहरा है, इसका कितना क्रिमिनल माइंडसेट है इस चेहरे के पीछे। उसने पूरा टाइम शुरू से लेके एंड
तक केवल एक ही काम किया, वो लड़का जो इस दुनिया में नहीं है आज अपनी बात करने के लिए उसका कैरेक्टर वो असासिनेट करती रही, जो बच्चा जिसको उसने ये बोल दिया था कि ये डिप्रेस्ड है, स्किज़ोफ्रेनिक है, बाइपोलर है, अब दो चीजें और उसने ऐड कर दी उसके नाम के आगे कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक था और मोडाफिनिन लेता था और इसके अलावा वो ड्रग एडिक्ट था। आप सोचो वो लड़का जब अब नहीं है इस दुनिया में तो आप उसके बारे में कुछ भी बोलो उसका कैरेक्टर असासिनेट कर दो, और दूसरी तरफ तुम बोलो कि तुम उसको प्यार करती थी, तुम डिवेस्टेटेड हो क्योंकि वो चला गया इस दुनिया से। उसके बाद आप परिवार की बात करते हो, परिपिता के लिए बोलती हो कि उनको कैसे पता कि 15 करोड़ रुपए उसके उसके अकाउंट में था, वो कैसे जानकारी उनको हो सकती है, हो ही नहीं सकती। वो यहां तक चली गई, उनकी माता जी जो इस दुनिया से चली गई है, स्वर्गवास हो गया है, ये लड़की उस माता ममता जी का जी ममता जी बात पूरी करें मैं जल्दी से उस बाप को खींच करके लेके आ गई और ये बोलती है अदिति जी कि सुशांत को जो डिप्रेशन था वो उसकी माँ की वजह से था। शर्म नहीं आती है इस लड़की को, मतलब इसका कोई जमीर नहीं है, कोई ईमान धर्म नहीं है, अपने को बचाने के लिए अपने झूठ को जो ये पैडल कर रही है उसको और आगे बढ़ाने के लिए माता जी को भी बीच में लेकर के आ गई। बहन के ऊपर फिर से मोलेस्टेशन का इसने कल इल्जाम लगा दिया कि बहन ने मुझे मोलेस्ट किया था। अगर तुम इतनी पाक साफ थी, वो परिवार इतना खराब था, सुशांत में इतने ऐप थे तो तुम क्यों भाई उसके साथ अटकी हुई थी, छोड़ के निकल जाती ना, क्योंकि तुम तो कहती हो अपनी व्हाट्सएप चैट रिट्रीव होने के बावजूद ये लड़की कहती है कि नहीं, ना तो मैं ड्रग्स लेती थी, ना मैं ड्रग्स का धंधा करती थी और मैं कुछ नहीं करती थी, मैं बहुत साफ हूँ, ड्रग्स सुशांत लेता था। आप सोचो मतलब अपना मैं बहुत अच्छी हूँ और वो परिवार और वो लड़का बहुत खराब था, इतना गंदा कैरेक्टर था। बहुत सारे सवाल कि किस तरह की शोक मना रही है वो, किस तरह का शोक मना रही है जिसमें वो सुशांत सिंह राजपूत की माता जी से लेकर उनके पिताजी, उनकी बहनें और खुद मृत सुशांत सिंह राजपूत को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। और सिर्फ वो ड्रग्स की बात नहीं करती, वो दुनिया को याद दिलाती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पर मी टू एलिगेशंस भी थे और इसीलिए इस इंटरव्यू को सिर्फ पीआर एक्सरसाइज और खुद को विक्टिम कार्ड दिखाने की कोशिश बताया जा रहा है। तहसीन पुनावाला जल्दी से आपका कॉमेंट, उसके बाद टीआर कक्कर साहब आपको दूंगी फ्लो। सबसे पहले हमें 2-3 चीज जानना बेहद जरूरी है। प्रथम तो क्योंकि ड्रग्स की बात हो रही है, वो चैट ईडी ने जो आप दिखा रहे हो, ईडी ने उसे ऑफिशियली नहीं कहा कि चैट हमने रिट्रीव किया है, तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी आता है। लेकिन अगर मान भी लिए कि वो चैट्स ऑथेंटिक है जो ईडी ने अभी तक सोर्सेज के हवाले से दिया है, तो उसमें जिक्र हो रहा है सीबीडी का, सीबीडी ऑयल का। और आपको आपके दर्शकों को बता दें सीबीडी ऑयल हमारे मुल्क में पूरी तरह से लीगल है, इनफैक्ट आयुष मिनिस्ट्री इसे प्रमोट करता है, बहुत सारे रिचुअल्स में इसका इस्तेमाल होता है। सीबीडी ऑयल का पहला लाइसेंस उत्तराखंड में भारत की सरकार ने दिया था और मेनका गांधी ने उसके लिए पैरवी की थी कि उसे लीगल करे। तो हम सीबीडी के बारे में थोड़ा सा जाने बिफोर हम किसी नतीजे पर पहुंचे, सीबीडी की बात हो रही है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भांग भी हमारे मुल्क में लीगल है। दूसरी चीज मैं आपको बताते अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि अगर इसमें ड्रग्स का एंगल पकड़ा जाए तो जो नाम आ रहा है संदीप सिंह, उसकी जांच होनी चाहिए। संदीप सिंह ने नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी बनाई और देवेंद्र फडणवीस के शायद वो करीब है, इसीलिए सीबीआई को लाया गया मुंबई पुलिस से संदीप सिंह को बचाने के लिए। इसमें पीएमओ की भी जांच होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी क्यों, क्या नरेंद्र मोदी जी का क्या कनेक्शन है क्योंकि संदीप सिंह का नाम आ रहा है। तहसीन पूनावाला, अकाउंटेबिलिटी आपने जाकर प्रधानमंत्री मोदी की फिक्स कर दी, राज्य सरकार को जिस तरह से आपने क्लीन चिट दी है, अब उस पर क्या कहूं, दर्शक देख रहे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं यहां पर। एनके सूद जी, थोड़ा सा एनलाइटन करेंगे आप इस दुनिया को ड्रग्स के बारे में, सर थोड़ा सा दे दीजिए ज्ञान जी। देखिए ड्रग जो है मुंबई में, बॉलीवुड में बड़े पुराने टाइम से चलता रहा है, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ जब सुशांत सिंह का केस आया और उसके साथ साथ ये क्लेरिफिकेशन आ गई कि जब रिया के बारे में कहा गया कि ये ड्रग्स को सुशांत सिंह को दिया करती थी, इससे जो सारा लिंक है ये उजागर हो गया। अब उजागर होने के साथ जो जितनी भी हमारी एजेंसी हैं, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, और आज जो नारकोटिक्स वाले हैं ये इसमें इन्वॉल्व हो गए, इसके इन्वॉल्व होने से इस केस का एक समझिए कि एक डिसीजन आएगा या इस केस पे एक एक्शन होगा जिससे इसको चेक किया जाएगा। ड्रग्स जो है इंडिया में बड़े पुराने चलते रहे हैं, पंजाब में बड़े चलते रहे हैं और बाकी कंट्री के पोर्शंस में भी, एरियाज के भी अंदर ये ड्रग्स इन्वॉल्व रहा है। लेकिन जो जहां तक बॉलीवुड का सवाल है, बॉलीवुड में जो ये ड्रग्स का यूज होना शुरू हुआ है ये एक बड़ी पुरानी चीज है, लेकिन ओपन होने के बाद अब देखिए बहुत से केसों के मर्डर होते हैं बॉलीवुड के आसपास, उनका पता ही नहीं चलता,
बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है और क्या करते हैं लोग, ये उसको सुसाइड दिखाने के लिए या दूसरी चीज़ दिखाने के लिए उसको ड्रग का इंजेक्शन देते हैं या मरने से पहले उसके मुंह में डाल देते थे। मुंबई के अंदर बहुत सारी करप्शन रही है बॉलीवुड के अंदर, जिसकी वजह से ये सारा ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट रहा। दर्शकों को एक अपडेट दे देती हूँ, सीबीआई के 4 अधिकारी हैं, 7 घंटे करीब 7 घंटे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, रियल इंटरव्यू चल रहा है अब रिया चक्रवर्ती का। रियल इंटरव्यू ये जो कंडक्ट कर रहे हैं वो है सीबीआई की 4 मेंबर की टीम। सीबीआई की 4 टीम इस वक्त पूछताछ कर रही है। सीबीआई की जो दूसरी टीम है वो शोविक, जो कि रिया चक्रवर्ती का भाई है, उससे पूछताछ कर रही है। सीबीआई की जो तीसरी टीम है वो नीरज और केशव से पूछताछ कर रही है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ है। तो देखिए बहुत सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई की 4 टीमों की बात कर रहे हैं, एक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, एक शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ और एक सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ से पूछताछ। टीआर कक्कर साहब, आपका कॉमेंट, उसके बाद उज्ज्वल निकम जी। देखिए जब से ये हादसा हुआ है 14 तारीख से, मुंबई पुलिस ने अपना वो इंक्वेस्ट के लिए 174 के नीचे शुरू कर दिया और तरह तरह के लोगों को बुलाने लगे, क्योंकि वो हम सबको एज ए प्रोफेशनल, मैं बताता हूँ कि हम सबको वो प्रोफेशनल नहीं लगा, क्योंकि जब इस तरह की इंक्वेस्ट होनी है तो आप उन्हीं लोगों से पता कीजिए जो कि उसके इर्द गिर्द थे, उसके साथ थे, बल्कि ना कि सारे हर तरह के एक्टर एक्ट्रेसेस को बुला के उनसे बिठाया जाए, पूछा जाए एंड ऑल दैट, क्योंकि वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए उससे एक मिलते जुलते केस को बिहार में हो गया। अब ये पॉलिटिकल मामला भी बन गया, उधर से शिवसेना के लोग बोल रहे हैं, उधर एलेज हो रहा है कि मुख्यमंत्री वहां के, तो एक सीबीआई एक जो कि न्यूट्रल एजेंसी समझी जाती है उसको ये केस सौंप देने की हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दे दिया। अब लोगों का कल तक ये था कि नेहा चक्रवर्ती को कब बुलाएगी सीबीआई, कब बुलाएगी, क्यों नहीं बुला रही है। अरे भाई सबको समझ आनी चाहिए कि जब इस तरह के केस होते हैं तो एक सर्कल देखिए आप, सर्कल का आउटर है पहले वो लोग जो शायद जुड़े हुए हों, फिर जो नजदीकी जुड़े हो, जो बिल्कुल घनिष्ठ हो, फिर उन, और ये सबका सबसे बात करने के बाद ही जो मुख्य आरोपी समझा जाता है उसको, या जब एक है, दो है, चार है, उनको बुलाया जाता है। तो आज वो भी शुरू हो गई है। अब हमारी देश की 3 बड़ी बड़ी एजेंसी, जो इससे बड़ी एजेंसी कोई नहीं हमारे पास, इन्वेस्टिगेशन के नारकोटिक कंट्रोल है, ईडी है, उसके बाद सीबीआई है, ये तीनों अपने अपने ढंग से अपने अपना दायरा जो है उस दायरे में रहकर अपनी जांच कर रही है और कुछ ना कुछ सच्चाई निकलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो जाएगा कि नहीं, ये तो सुसाइड नहीं था, ये तो मर्डर था या अबेटमेंट टू मर्डर था, मैं उसका कुछ नहीं कर, लेकिन जो सही है इस केस में वो निकलेगा। और इस केस का मैं आपको एक बता दूं कि जो 8 तारीख को हादसा हुआ था दिशा का, उससे ताल्लुक अवश्य जुड़ेगा, क्योंकि वो एक प्रीकर्सर है, वो एक प्रीकर्सर था कि वहां से शुरू होके वहां तक पहुंचता है। और बाकी नेहा की कहानियाँ, उसका क्रोकोडाइल टीयर्स टीवी चैनल पर अपनी पीआर के लिए, उन सब चीज़ों का सीबीआई पर या किसी और एजेंसी पर कतई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग बड़े हार्ड स्किन होते हैं, इतनी सॉफ्ट स्किन नहीं हमारी कि किसी को देखा रोते हुए तो उसका, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोग प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर हैं, हम प्रोफेशन जो चीज़ें हमें चाहिए हम उन्हीं के पर नजर रखते हैं, और जो भी निष्कर्ष ने, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस केस में ये एजेंसीज आज अलग अलग है, कल सब बैठेंगी इकट्ठी और फिर एक निष्कर्ष निकालेंगी, और जो निष्कर्ष निकलेगा वो बिल्कुल सही होगा, सबको मानना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक। उज्ज्वल निगम जी, ये ड्रग्स के एंगल तक जब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब तक क्यों नहीं पहुंचा जा सका? आप दीजिए, मैं अपने दर्शकों के लिए पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि हर आरोपी को निर्दोष माना जाता है जब तक कानून उसे दोषी नहीं ठहराता है। हमें इस मामले में ये देखना होगा कि इसमें कई तथ्य आए हैं जो सर्कमस्टेंशियल सबूत पे आए हैं। 2 महीने के बाद सीबीआई इसकी जांच कर रही है और रिया ने कल खुलकर एक पब्लिक इंटरव्यू उसने दिया है।
पब्लिक इंटरव्यू में उसने कुछ तथ्य रखे हैं, ये बात भी साफ जाहिर है कि पब्लिक इंटरव्यू में सच ही कहा है या झूठ कहा है, इसकी सीबीआई को जांच करनी होगी। लेकिन जहां तक दो क्रूशियल इशू मुझे मैंने देखे कि पहला इशू वो ड्रग्स नहीं लेती थी, दूसरा इशू सुशांत ड्रग्स लेते थे, और तीसरा इशू जो उसके बारे में पूछा गया कुछ सवाल उसके जवाब उसने टाल दिए। मैं मानता हूं कि उसका पूरा अधिकार है रिया को कुछ जवाब टाल देने का, उसका आंसर नहीं देने का, और ये भी बात साफ जाहिर है कि वैसी कानूनी सलाहकार की मदद से ही उस जवाब उसने दिया है। जहां तक सवाल नार्कोटिक ड्रग्स का है, उसमें दोनों अहम सवाल, उसने उन सवालों को कुछ जवाब नहीं इसलिए दिया क्योंकि उसे सलाह दी गई होगी, अगर कोई फैक्ट वो एडमिट करती है तो कानून के वो सिकंजे में आ सकती है। अगर वो ड्रग लेती थी, अगर उसने एडमिट किया तो नार्कोटिक ड्रग्स तहत उसका एक ऑफेंस बनता है, इसलिए शायद उसने उसने कहा कि मैं सीबीआई के सामने खोलूं। दूसरी अहम बात है कि उसने वो व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी। व्हाट्सएप चैट डिलीट क्यों किए, क्या वजह थी? देखिए, सुशांत की आत्महत्या है क्या हत्या है, क्या आत्महत्या के लिए उसको किसने उत्साहित किया है, ये तीनों मुद्दे पर तथ्यों पर सीबीआई को तलाश करनी होगी। सीबीआई ने अब तक कुछ किरदार को भी एग्जामिन किया है और सीबीआई ने लास्टली रिया को बुलाया है। सीबीआई क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करेगी कि क्या जो किरदार उसके घर में थे, सुशांत के घर में मौजूद, उन किरदारों का बयान और रिया का बयान कुछ मेल खाता है क्या नहीं। रिया ने आरोप लगाया कि सुशांत भी ड्रग्स लेता था और वो एक डिप्रेशन में था, उसने डॉक्टर के नाम कहे हैं, मेडिसिन की दवा के नाम कहे, वो सीबीआई जांच लेगी क्योंकि दैट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जब कोई मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित रहते हैं, मैन मे टेल लाई बट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट, और इसलिए सीबीआई को ऐसे तथ्यों की एक चेन लगानी होगी जिस तथ्यों के आधार पर सीबीआई कह सकती है कि शायद ये कुछ छुपा रही है, रिया कुछ छुपा रही है, शायद सिया ने गुनाह किया है, शायद रिफ्लेक्शन ऑफ गिल्टी माइंड है, और फिर तभी सीबीआई उसको कस्टडी में ले सकती है, कस्टडी इंट्रोगेशन। अभी सीबीआई ने कस्टडी में नहीं लिया क्योंकि सीबीआई जानना चाहती हो कि क्या रिया सच बोल रही है उनके सामने, क्या कुछ बातें छुपा रही है, और जो बात छुपा रही है क्या उसके वो विरुद्ध जाती है, क्या उसको अगेंस्ट जाती है। अगर सीबीआई इस कुछ नतीजे पे आती है तो सीबीआई उसको जरूर अरेस्ट कर सकती है। एक बात अहम इसमें ऐसी है कि 8 जून को रिया ने उसका घर छोड़ दिया है, सभी किरदारों ने जो चैनल पे अब तक आए सभी किरदारों ने ये बात कही है कि उसने 8 जून को घर छोड़ा, 14 जून का हत्या होगी, 14 जून को उसकी डेड बॉडी है, उसके बाद पोस्टमार्टम मॉर्चरी में जाती है, रिया उससे मिलती है, कहती है बाबू आई एम सॉरी। अगर इस लफ्जों के भी दो अर्थ निकलते, एक अर्थ ये भी निकलता है कि बाबू जो मेरे हक से गुनाह हुआ है मुझे माफ कर दो, दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि मैं तुझे छोड़ के चली गई इसलिए आज ये हुआ, तो दोनों अर्थ जो बाबू आई एम सॉरी इससे कोई नतीजा नहीं निकल सकता है, इसके बारे में भी सीबीआई को तलाश करना। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ गिल्टी माइंड, एक मिनट आरती, वो बहुत अहम रहता है। कई मामले मैंने महाराष्ट्र में चलाए, संगीन मामले जो सर्कमस्टेंशियल आधारित थे, और इसलिए जो जांच एजेंसी है उसको बहुत सावधानी से सबूत इकट्ठा करना पड़ता है। तीसरी बात जो है कि 8 जून को जाने के बाद रिया ने 9 जून को उसका फोन ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब है कि रिया के में उसमें कोई संभाषण होता नहीं था, ये बात एक कानून मान लेगा। अगर ये प्रिजम्पशन है तो फिर अबेटमेंट क्यों किया? अगर सुशांत को ड्रग की लत लग गई है तो किसने लगाई, क्या ड्रग न मिलने पर वो फ्रस्ट्रेट हुआ, और फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है? क्योंकि सुशांत की फॉर्मल गर्लफ्रेंड कहती है वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता, तो ऐसा क्या हुआ वाकई यार कि जिसकी वजह से रिया को उनका घर छोड़ना पड़ा? जो भी रिया ने पब्लिक इंटरव्यू में कहा वो सच है, ऐसा सीबीआई भी नहीं मानेगी, लेकिन सीबीआई को इसको रूट पे जाना पड़ेगा। सिर्फ नार्कोटिक का एंगल नहीं है, अगर सुशांत के पिता ने मनी ट्रेल भी बताए, वो मनी ट्रेल का भी उसने एक्सप्रेशन दिया, तो डॉक्यूमेंट्स आर देयर। इसलिए आरती जी मैं कहता हूँ कि हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कुछ इन्फरेंस करने के पहले हमें इंतजार करना। मानसिंह यादव जी, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि ईडी का इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में एक लिहाज से काफी पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन उससे पहले एक कमेंट ले लेती हूँ। शांतनु सेन सर, आपका
आप जब इस पूरे केस को देख रहे हैं, 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करी और आपको यहां पर बता दें कि हम आपको व्हाट्सएप चैट दिखा रहे हैं जो ड्रग्स कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं, और इन व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती ने वो गंभीर आरोप सुशांत सिंह राजपूत पर लगाए हैं कि वो ड्रग्स एडिक्ट थे, ड्रग्स लेते थे। तो देखिए इन 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 चैट्स को देखिए और समझिए कि हम आज ड्रग्स कनेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन शांतनु सेन सर, आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं जिसमें सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट एक तरीके से कहा जाए तो ये ड्रग्स कनेक्शन ही है, इस पूरे केस को, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को आज करीब करीब 8वां दिन है, आप कैसे देख रहे हैं? हम इस मामले को सुलझते हुए देख रहे हैं, आपको लग रहा है अभी और उलझेगा? मैं अभी तक इतने लोगों की बात सुन रहा था, मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि इस केस को इस लाइन में लिया जा रहा है। सीबीआई के पास केस पहुंच गया है, सीबीआई तफ्तीश कर ली है, सीबीआई के कोई स्पोक्समैन ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, इसके बावजूद लोग सीबीआई क्या कर रही है नहीं कर रही इस पर बहस हो रही है। सीबीआई एफआईआर सीबीआई ने दर्ज किया है, एफआईआर में जो सेक्शंस हैं उस पर सीबीआई अभी तफ्तीश कर रही है, तफ्तीश करते हुए कोई और क्राइम ड्रग का मर्डर का मिले तो उसको भी सीबीआई तफ्तीश करेगी। आज की पोजीशन ये है कि सीबीआई ने पहले पता लगाया है किस सर्कमस्टेंसेस में सुशांत सिंह की मृत्यु हुई, उसने सारे सीन को रिक्रिएट किया है, जो घर में मौजूद थे उनको उनके साथ सबसे अच्छी तरह बात करके एक इस नतीजे में पहुंची है कि इस सर्कमस्टेंसेस में उनकी मौत हुई है। उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हुए, अभी प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन अब रिया हो रहा है, रिया एक एक्यूज्ड एफआईआर नेम्ड है, रिया की फैमिली मेंबर्स नेम्ड है, उनके ऊपर चार्ज है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड कन्फाइनमेंट। ये चार्जेस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके जब कुछ नतीजे में पहुंचेगी और ये लगेगा कि यही लोग आरोपी हैं तब सीबीआई आगे बढ़ेगी। जब तक सीबीआई ने किसी को अरेस्ट नहीं किया, उनको एफआईआर में तो प्राइमा फेसी चार्ज कर लिया आपने, पर उनको आरोपी सीबीआई नहीं बना रही है, आरोपी तब बनेंगे वो जब सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया। इस यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है इसमें तो कुछ लोगों ने आरोपी के नाम ले लिए हैं, मैं समझता हूँ आपके जैसा चैनल ये ना करने दे। बिल्कुल सर, आपको लेकर आए, क्या हो रहा है आज उसमें मीडिया ट्रायल पर बहुत सख्ती से बीबीसी आई है, ये हम लोगों को बदनाम कर रहा है। आप जरूर इंटरोगेशन करिए, जरूर बात सामने लाए, पर नतीजा मत बोलिए। exactly. अभी किसी को आरोपी बनने का हक आपको नहीं सवाल, है सवाल पूछे जाने चाहिए जी। ठीक सर, ठीक। हमारे साथ मानसिंह यादव जी भी हैं, मैं चाहूंगी जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन है, हमारे साथ एपी सिंह सर भी जुड़ गए, सर आएंगे आपके पास। सर एक कमेंट यहां पर मैं मानसिंह यादव जी का लेना चाहती हूं, वो जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है, मैं चाहूंगी इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारे दर्शकों के सामने आए, क्योंकि ये केस जो है काफी फैला हुआ है और हमारी कोशिश ये है कि तथ्यों के माध्यम से हर एस्पेक्ट को, चाहे वो ईडी का इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हो, हम हर तथ्य को बहुत बारीकी से आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपको एक 360 डिग्री व्यू इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का हम अपनी इस बहस के दौरान, चर्चा के दौरान दे पाए। ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पूरा ट्रेल है, जो मनी ट्रांसफर है, ये जो रिया चक्रवर्ती को मनी ट्रांसफर की बात है, सर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन ईडी के लिहाज से आप कैसे आकलन उसका करते हैं और कैसे ये सीबीआई की जांच से जुड़ता है? हाँ जी, ये देखिए जो ईडी का मामला है, जो ईडी का मामला है ये दरअसल में जो सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज किया है और उसमें जो सेक्शंस इन्वोक किए हैं, जैसे मैं देख रहा था सीबीआई की जो एफआईआर है उसके अंदर 420 रेड विद सेक्शन 120 बी है, जो कि ईडी के जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उसके शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं। जैसे ही इस तरह की अगर कोई एफआईआर या चार्जशीट आती है जहां पे शेड्यूल्ड ऑफेंसेस होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन ईडी को रेफर कर देता मैटर कि वो पीएमएलए के एंगल से उसका इन्वेस्टिगेशन करें। और जैसे ही सीबीआई के यहां से रेफरेंस आया ईडी को, ईडी ने अपना एक ईसीआईआर बोलते हैं इसको, एफआईआर की जगह वहां पे रजिस्टर करते हैं ईसीआईआर।
एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो दर्ज करके इसका इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। अब ईडी का केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन होगा जो भी मनी ट्रेल है उसको फाइंड आउट करना, और उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होगा। ईडी का जो प्रिडिकेट ऑफेंस है, जैसे मान लीजिए काफी इसके अंदर सेक्शन इन्वोक कर रखे हैं सीबीआई ने अपनी एफआईआर के अंदर, तो उनसे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन ईडी का काम नहीं है। ईडी का काम केवल और केवल, जैसा कि अलेज किया गया है, 15 करोड़ रुपए का जो हेर फेर हुई है या व्हाटएवर जो भी ट्रांसफर हुए हैं डिजीज, ये जो सुशांत सिंह जी हैं इनके अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में गए हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन ईडी करेगा। अगर ईडी को ये लगता है पूछताछ के दौरान इनसे, जब भी इनके स्टेटमेंट या इंटरोगेशन होगा, अगर ये उसका सही सही जवाब नहीं दे पाएंगे तो ओबियस है एक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है और उसको अटैचमेंट ईडी अपने उसमें कर लेगी। देयर इज अ प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं चाहूंगी वो इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर आए, क्योंकि जब हम ईडी की बात कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन बहुत अहम बताई जा रही है। 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को दिए गए, ये बात बार बार उठ रही है, ऐसी बात सामने आ रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इस जब ईडी का इन्वेस्टिगेशन है, सभी तरह के लेन देन को लेकर पूछताछ हो रही है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज पर, तो सभी आरोपियों को एक साथ, सभी आरोपियों से एक साथ पूछताछ कर सकती है सीबीआई। रिया चक्रवर्ती से 4 टीम पूछताछ कर रही है, उसके भाई शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है, और तीसरा एक टीम पूछताछ कर रही है जो सुशांत सिंह राजपूत का स्टाफ है, जिसमें नीरज है, जिसमें केशव है। ये पूछताछ तीनों टीम में इस वक्त पूछताछ कर रही है, और चौथी टीम पूछताछ कर रही है सिद्धार्थ पिठानी से, जो कि एक तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट मेट भी थे और साथ ही उनके मैनेजर भी थे। तो जरा सोचिए, सभी आरोपियों से एक साथ पूछताछ की जा सकती है, जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें रिया चक्रवर्ती हैं, इसमें रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, इसमें सुशांत सिंह राजपूत का स्टाफ है और इसमें सिद्धार्थ पिठानी है। तो सभी आरोपियों से एक साथ पूछताछ की जा सकती है, ये इस वक्त की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। मुकेश खन्ना जी, आपका कॉमेंट सर। जी बोलिए सर। ये जो इन्वेस्टिगेशन है, आपको लग रहा है आप मिलाकर हम इसके क्लूज की तरफ जा रहे हैं? जी बोलिए। देखिए ये मैं इतना कह सकता हूं कि सीबीआई आई बहुत दिनों के बाद, आपको पता है शुरुआत पूरा हिंदुस्तान 130 करोड़ से लेके बिहार की सरकार, उनकी फादर मदर, उनके उनके फादर, उनके भाई, उनके बहन सबने इतना कुछ जोर लगाया, मुंबई पुलिस ने मना किया हम नहीं करने देंगे सीबीआई, अब सीबीआई आ गई है ये सबसे बड़ी खुशी की बात, और जांच हो रही है ये और भी खुशी की बात है, क्योंकि इसके पहले के जो 25-50 दिन गए हैं वो सब वेस्ट हुए हैं। तो ये जांच हो रही है, हमको वेट करना पड़ेगा, वेट करना चाहिए, पर खुशी है कि अब जिनको, जिन पर शक की उंगलियां आ रही थी, अब तक जैसे उज्जवल जी ने साफ कहा कि जब तक आरोपी नहीं बनता हमें उनको आरोपी नहीं कहना चाहिए, लेकिन सबके अंदर अधीरता है, इतना कुछ टीवी में देख चुका है पूरा हिंदुस्तान कि उनको लगता है कि भाई ये गड़बड़ इसने की है, लोग तो बोलेंगे पर असलियत निकलेगी जब सीबीआई की जांच होगी, जब जब ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच चल रही है बात निकलेगी। पर मैं समझता हूं कि सच्चाई सच्चाई दिख रही है सामने कि कौन कल्प्रिट है। एक कॉमन मैन भी गेस कर सकता है कि कौन इसके अंदर सबसे ज्यादा शातिर लग रहा है, इसके पीछे क्या दिख रहा है। बोलने का हमें हक नहीं है क्योंकि हम हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये रिया है, उसके भाई है, उनके सब दोस्त हैं सुशांत के, उनसे पूछताछ हो रही है, ये सारा सर्किट बहुत कुछ छुपा के बैठा हुआ है। द वे सीबीआई वॉज नॉट अलाउड टू कम, दैट इटसेल्फ वॉज नॉट राइट। उसी से शक की उंगलियां आ रही थी कि अगर सुसाइड था तो आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो भाई, क्यों बोल रहे हो सीबीआई नहीं आवे, सीबीआई नहीं आवे, सीबीआई नहीं आवे। अरे अगर सुसाइड था तो सुसाइड ही मालूम पड़ जाएगा ना, फिर डर किस बात की थी। बिल्कुल, इससे मतलब है तो सस्पेंस, और अभी जैसे कि कानूनी हमको दांव पेच पता लगे हैं कि जब तक ये नहीं होगा तब तक आपको हमको बोलने का हक नहीं है, लेकिन पूरा देश जानना चाहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, 137 करोड़ भारतीय चाहते हैं कि इसमें सच सामने आए। मैं एक्टर नहीं कहूंगा उसको, मैं जी
जी सर, आऊंगी मैं आपके पास। एपी सिंह साहब जुड़ गए, फॉर्मर डायरेक्टर हैं सीबीआई के। सर, आपसे सवाल यही है जो आप यहाँ पर सुन रहे हैं सारे पैनलिस्ट, इस वक्त सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, पूछताछ भी चल रही है रिया चक्रवर्ती से। 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसके तहत ये कहा जा रहा है सभी आरोपियों से एक साथ पूछताछ हो सकती है। इसमें ड्रग्स का मामला एंगल एक सामने आ रहा है, जो व्हाट्सएप चैट है वो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूरे सिचुएशन का आकलन इस वक्त आपका किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, जो सीबीआई तो बहुत डिटेल में टीम बना के इंटरोगेट कर रही है, जो आई विटनेसेस थे, जो उनके क्लोज थे, सर्कमस्टांसेस जानना चाह रही है कि क्या घटना क्या घटी और कौन कौन लोग थे और इनके कोई स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो वो फिर उससे फिर आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी। पर इसमें बेसिक ये ड्रग्स, ठीक है, ये बात आई है ड्रग्स की, वो नार्कोटिक ब्यूरो भी देखेगा, बट जो मेन आपका इश्यू यहाँ है कि ये सुसाइड था या मर्डर था या सुसाइड बेटमेंट टू सुसाइड था, और यदि कोई पैसों का लेन देन में कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, चीटिंग हुआ है, जो कि एफआईआर के सेक्शंस है, तो ये मेन इश्यूज हैं सीबीआई के लिए। तो इसमें पहली बात तो है कि जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के, और जिन्होंने और फोरेंसिक एक्सपर्ट जिन्होंने सीन को रिक्रिएट करा फ्लैट पर, उनकी ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो फाइनल डिसीजन देंगे कि ये सुसाइड था या ये कोई और किस्म का मर्डर हो सकता है या होमसाइड हो सकता है। तो एक बार ये सुसाइड क्लियर हो जाएगा, फिर बात आएगी कि ये अबेटमेंट टू सुसाइड इसमें है कि नहीं। अब अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए सेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बड़े क्लियर हैं दैट टू कन्विक्ट अ पर्सन फॉर अबेटमेंट उसका क्लियर इंटेंशन होना चाहिए टू कमिट द क्राइम एंड एक्टिव एक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट एक्ट होना चाहिए, मतलब उसको प्रेजेंट होना चाहिए जब ये सुसाइड कर रहे हैं। और ये नॉर्मली डाउरी डेथ्स में ये केस ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि जो जब औरत को ना प्रेशराइज कर देती है पूरी फैमिली, उसको हैरेस कर रही है, उसको तंग कर रही है, तो उससे फिर वो खुदकुशी कर देती है। तो इस केस में कमी है। मुझे उज्जवल निकम जी से क्लोजिंग कॉमेंट यहाँ पर मुझे लेना है बस। उज्जवल निकम, क्लोजिंग कॉमेंट आपका 40 सेकेंड्स। देखिए, इस मामले में ऐसे कुछ तथ्य है जो तथ्य आज तक सामने आए हैं, उस तथ्य पर अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि जब सुशांत की डेड बॉडी मिली, फ्लैट में जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या किया उनके कंडक्ट के बारे में, अगर उन तथ्यों को उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो कानून ये मानेगा कि आपको बताना होगा कि सुशांत का मृत्यु कैसे होगा अगर वो होमिसाइडल डेथ इस नतीजे पे आती। दूसरी बात रही रिया की, रिया के बारे में भी सीबीआई इसकी जरूर तलाश करेगी कि क्या वजह थी 8 तारीख को घर छोड़ने की, और घर तारीख छोड़ने के बाद क्यों उसने कांटेक्ट नहीं किया और मॉर्चुरी में क्यों गए। और ये जो ड्रग्स का मामला है वो तो साइड वाला मामला है, वो अलग मामला है, लेकिन उससे और इससे कुछ तार है क्या, इसकी भी जांच सीबीआई जरूर करेगी। और मुझे लगता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे हमें सीबीआई को कुछ मौलिक देना चाहिए ताकि सीबीआई सच क्या और झूठ क्या है इसका पर्दाफाश कर सके। और लगातार अजी न्यूज पर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको काल्पनिक कहानियां ना दिखाएं, हम आपको प्रायोजित इंटरव्यू नहीं दिखा रहे, हम आपको एक्सपर्ट्स के माध्यम से इस पूरी खबर का विश्लेषण लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरे 137 करोड़ भारतीयों की, पूरे हिंदुस्तान की इस समय एक ही मांग है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और काल्पनिक कहानियों पर प्रायोजित इंटरव्यूज पर ब्रेक लगना चाहिए, क्योंकि इस मामले में संपूर्ण सत्य सामने आना चाहिए। आपको बता दें, विश्वसनीयता की कसौटी पर देख लीजिए, हमारे 4 पैरामीटर्स होते हैं, रिपोर्टर्स की मौके पर मौजूदगी, खबर की पुष्टि, गवाह और एक्सपर्ट जो कि आपने लगातार सुना है, और तकनीकी विश्वसनीयता, इन चारों ही पैमानों पर हमारी ये खबर 100% खरी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।